अब हम 1.2 एक्सरसाइज के पास स्टूडेंट, हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, उस एक्सरसाइज से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, वो है हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन की डेफिनेशन है। सबसे पहले जो एडिशन डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर। रियल नंबर होंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास रियल इंट्रीज होंगी। द मैट्रिसेस ए कन्फर्मेबल एडिशन इफ दे हैव सेम नंबर, द मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है। वो कहते हैं दो मैट्रिक्स उस वक्त ऐड होंगे जब इन दोनों के दरमियान ना ऑर्डर सेम होंगे, सेम ऑर्डर होंगे तब ही वो ऐड होंगे, अदरवाइज ऐड नहीं होंगे। अब देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोट की है, देखिए इसके टू रोज हैं दोनों की, ए और बी की, और टू ही कॉलम्स हैं, थ्री कॉलम्स हैं, टू रोज हैं, इसको हम ऐड कर सकते हैं। किस तरह ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी इस तरह लिखेंगे इज इक्वल टू, अब फर्स्ट टू है इस टू को इस टू के साथ ऐड कर देंगे, प्लस टू प्लस माइनस टू। सेकेंड हमारे पास थ्री है, थ्री प्लस थ्री, जीरो प्लस फोर, वन प्लस वन, जीरो प्लस टू, सिक्स प्लस थ्री। अब देखें ये नेगेटिव का है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव जब अलजेब्रिक के रूल से अगर हम देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हमारे पास टू आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स आएगा, यहाँ पे फोर आएगा, टू टू एंड नाइन ऐड कर लेंगे ना, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसका ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, सिक्स फोर टू टू एंड नाइन। स्टूडेंट ये हमारे पास ऐड हो गई, हमने यहाँ पे मतलब कि ना इसकी एग्जांपल को हमने ए प्लस बी को करके आपको दिखाया है, ये ए प्लस बी के, ए प्लस बी उस वक्त होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम। जो सेकंड डेफिनेशन है वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन क्या होती है, माइनस करना, ठीक है, हमें पता है सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हम कहते हैं, वो कहते हैं इफ ए एंड बी, ये कहते हैं दो अगर हमारे पास मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर हैं उसके, देन सब्सट्रैक्ट द मैट्रिक बी फ्रॉम मैट्रिक ए, मैट्रिक बी ए से सब्सट्रैक्ट करता है, इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द एंट्रीज बी फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बी। वो कहता है कि ना हम इस तरह सब्सट्रैक्ट करते हैं कि ए के जो बी के एलिमेंट होते हैं वो ए में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इट इज डिनोटेड बाय से ए माइनस बी से डिनोट किया जाता है, और इसके दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुट की हैं, नेक्स्ट मैं सॉल्व करूँगी ए माइनस बी कैसे होता है। इसका सेम ही मेथड है जैसे ए प्लस बी है, इसको फर्स्ट को फर्स्ट के साथ हम माइनस करते हैं, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, सेम ही इसका मेथड है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही है चीज़ है, इसमें सब्सट्रैक्शन आती है, मतलब नेगेटिव आता है। स्टूडेंट्स मैंने सब्सट्रैक्शन की मतलब कि ना आपको डेफिनेशन बता दिया, अगेन मैं आपको एक बात रिपीट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे न्यू आने वाले लेक्चर्स जो हैं, ये लेक्चर्स मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। इस लेक्चर में कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, या कोई लेक्चर आपको समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट के जरिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं अगेन आपको रिपीट करवा सकती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स होगा, अगर हम किसी मतलब ए के में 1, 2, 3 इंट्रीज है तो के भी तो कोई ऐसे कोई, ये तो हमने जनरल लिया है ना, के में कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे 2, 3, 4, 1 to 1, 100 मतलब के नाम 100 तक 1000 तक जो भी होगा, के वो होगा एक जनरल वैल्यू ही है, के 1, 2, 3 ऐसे ही कोई नंबर होगा। बी ए स्केलर, वो स्केलर है ना, स्केलर हमारे पास 1, 2, 3 होता है, देन द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। वो कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के, ए के साथ इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई, इस तरह होगा कि हम के का जो हमारे पास के होगा ना, फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे 2 है, तो 2 का 2 जो होगा ना वो ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तन देन हमारे पास आएगी मैट्रिक्स ए आएगा, और इसको हम के ए से डिनोट करेंगे। मैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल भी आपको देती हूँ कि हमारे पास के कोई स्केलर होता है, और स्केलर हमारे पास कोई नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो नंबर मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ
मल्टीप्लाई होता है, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर की वजह से। यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है वो जो 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 rows है, 3 columns, और k हमारे पास -2 है। अब कैसे हम करेंगे, हमने इस तरह डिनोट किया है ना, k a इज इक्वल टू, अब हमारे पास k है -2, a हमारे पास ये वाला 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 and 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको रेस कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। हमने क्या करना है, अब -2 को सब के साथ, इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, -2 अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 -2 -1 -2 0 2 -2 sorry -1 -2 3 -2 2 -2, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं इधर इसको इधर कर रही हूँ, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, -1 देखें, -1 और 2 मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा। अब -2 आ जाएगा, ये देखें, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव का 4 है, तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा, और 4 2 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव का साइन आएगा, 2 2 4, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास 2। ये देखें, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस एलिमेंट को 0 कर देता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, +2, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -6, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव -4। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर की एग्जाम्पल है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, देखिए हमारे पास जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है ये, एज अ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। मैट्रिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, हमारे पास दो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हैं, ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं उससे सेम ऑर्डर है, ए और बी, उस वक्त कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे जब वो मतलब ऑर्डर भी सेम होंगे, देन फर्स्ट ये होगी, देन ए प्लस बी, बी प्लस ए इक्वल हो जाएंगे। दो मैट्रिक्स होंगे ए और बी, उसके ऑर्डर सेम होंगे, देन ए प्लस बी और बी प्लस ए वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, एडिशन अंडर एडिशन होल्ड करेंगे। देखें एग्जांपल मैंने की है, देखें मैंने 2 3, ये मैंने दो मैट्रिसेस लिए हैं, सेम ऑर्डर है, रोज नंबर्स ऑफ रोज नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर टू, मैट्रिक्स आर सेम, मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं, देखो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ एडिशन अंडर एडिशन मैंने किया है ए प्लस बी, तो मुझे पता है ए प्लस बी किस तरह होता है कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड, सेकंड को सेकंड, उस तरह ऐड करके ये आंसर निकाला हमारे पास ये। अब बी प्लस ए स्टूडेंट्स हम करते हैं, बी हम बी वाला लेते हैं पहले, 3 + 2, ठीक है, 3 - 2 - 2 + 3, 5 + 0 - 1 + 5, ओके, 4 + 6 - 1 - 1 - 4 + 2 - 2 + 1, -4 + 1 - 4 + 3। अब क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 + 2 - 5 + 1 - 2 + 1 - और + का हमारे पास प्रोसेस नेगेटिव होगा, लेकिन हमारे पास जो बड़ी वैल्यू उसके साथ पॉजिटिव है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, +5। ये देखें हमारे पास 4 आएगा, नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा, प्रोसेस नेगेटिव होगा, लेकिन हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, प्रोसेस नेगेटिव का होगा। ये हमारे पास 6 + 4 = 10 आएगा, 2 + 1 + 1 = 2 आएगा,
माइनस फोर प्लस टू। अब देखिए बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव है, प्रोसेस भी नेगेटिव होगा और हमारे पास साइन भी नेगेटिव आएगा। अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव होता है तो हम इधर नेगेटिव दिखाते हैं, टू प्लस वन थ्री, माइनस फोर प्लस वन माइनस वन। स्टूडेंट्स देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम आ गई, तो हमने कहा ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने होल्ड कर दिया अंडर एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास अगर हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स की सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वो कहते हैं तीन हमारे पास मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर है, देन अगर उसके सेम ऑर्डर हुए तो ए प्लस बी ओवर सी, ए प्लस बी को ऐड करके उसके बाद सी को ऐड करेंगे या ए बी प्लस सी को ऐड करके उसके बाद ए को करेंगे तो हमारे पास एसोसिएटिव, वो दोनों का आंसर इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे वो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन की, मैट्रिक्स में सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन, मतलब मैट्रिक्स अंडर एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, जो डेफिनेशन है और ये प्रॉपर्टी भी है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मैट्रिक्स अंडर एडिशन, सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और थर्ड हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। हम कहते हैं दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं ए और बी, सेम ऑर्डर है, ठीक है, सब में एक ही बात है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए, एडिशन का मेन रूल है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ए प्लस बी, ए प्लस बी ले तो हमारे पास आंसर आना चाहिए ए, और अगर बी प्लस ए ले तब भी हमारे पास आंसर आना चाहिए ए, तो देन द मैट्रिक्स बी, इस बार हम मैट्रिक्स बी को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम मैट्रिक्स बी को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आ मैट्रिक्स ए, मतलब हमारे पास बी जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा ए का। देखें हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास ए ए है यहाँ पे, जो मैट्रिक्स है वन टू थ्री एंड फाइव, हम कोई मैट्रिक्स ओ ले लेते हैं, ओ हमारे पास उस पर जीरो जीरो एलिमेंट है, अब ए प्लस ओ कर लें जीरो, वन प्लस जीरो टू प्लस जीरो थ्री प्लस जीरो फाइव प्लस जीरो, आंसर हमारे पास क्या आएगा वन टू थ्री फाइव। सेकेंड हम ओ प्लस ए कर लें तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ जीरो प्लस वन जीरो प्लस टू जीरो प्लस थ्री जीरो प्लस फाइव, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वन टू थ्री एंड फाइव, दोनों में आंसर हमारे पास एक इक्वल आए हैं स्टूडेंट्स। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर हम ए प्लस ओ करें या ओ प्लस ए करें तो हमारे पास एक इक्वल आएगा, हम ये कहेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स ओ है वो ए का एडिटिव आइडेंटिटी है, और हम कहते हैं कि जो हमारे पास ओ है जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है ए का, क्योंकि अगर हम उस जीरो के साथ कोई भी चीज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम आंसर वही ए का ही आता है। जीरो एक ऐसा मेंबर है अंडर एडिशन का, इसके साथ कोई भी एलिमेंट को ऐड करें अगेन हमारे पास वही एलिमेंट आ सकता है, हम कहेंगे जीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है अंडर एडिशन मैट्रिक्स में। सेकेंड और लास्ट डेफिनेशन है और लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब ओल्ड, मतलब कैसे ओल्ड, देखें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर है, सच एज अगर इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर जीरो, अगर ए प्लस बी को ऐड करूं आंसर जीरो, बी प्लस ए को करूं तब भी, हम जीरो इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, बी इसका एडिटिव, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। सो हम एडिटिव इनवर्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हम ना अंडर एडिशन में क्या करेंगे कि ना अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है कोई ए है मैट्रिक्स वन टू
वन, जीरो माइनस वन माइनस टू, थ्री वन एंड जीरो। अब क्या होगा, हमें बी ऐसा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसके ये एलिमेंट सेम होंगे, ए के सेम होंगे, लेकिन उसके साइन चेंज होंगे। जब ये साइन चेंज होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में याद आएगा तो हमारे पास आंसर जीरो आ जाएगा ना। तो हमने ना एडिटिव इनवर्स इसका इस तरह फाइंड आउट करना है, दोनों अगर ऐड हो तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाए। इससे कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम इस तरह कर लेंगे इसे, ए बी इज इक्वल टू बी जो हमारे पास है, बी मतलब नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो माइनस ए के इक्वल होगा। मतलब इस मैट्रिक के साथ अगर हम माइनस ए मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स इस तरह बनेगा ना, माइनस वन माइनस टू माइनस वन जीरो, ये माइनस माइनस पॉजिटिव वन माइनस पॉजिटिव टू माइनस थ्री माइनस वन जीरो, ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए अब ये बी का ये मैट्रिक हो गया और ए का में ये मैट्रिक, अब ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लिखेंगे उसके बाद बी प्लस ए। मतलब हमारे पास इन्वर्स होता है, हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हम रियल नंबर की एक लाइन ले लें, ठीक है, ये रियल नंबर की लाइन है। स्टूडेंट्स हम मैं आपको थोड़ा ना इन्वर्स के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ कि इन्वर्स क्या होता है। यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ, देखें ये रियल नंबर है हमारे पास, रियल नंबर को डिस्कस करें। रियल नंबर में माइनस ए वन भी होता है, प्लस वन भी होता है, माइनस टू भी होता है, प्लस टू भी होता है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, वन का इन्वर्स माइनस वन है, टू का इन्वर्स माइनस टू है। हम जो मतलब प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स के अंदर, मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज लेते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हम नेगेटिव मतलब रियल लाइन से लेते हैं, तो उसमें नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव, रियल नंबर ही लेते हैं हम, कोई और नंबर नेचुरल नंबर नहीं लेते। नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर में पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो हम जो नंबर्स लेते हैं ना मैट्रिक्स के लिए, वो स्टूडेंट्स हम रियल लाइन से लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो एडिशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिटिव इनवर्स, मैट्रिक्स के अंदर एडिटिव इनवर्स होल्ड करता है। इसका एडिटिव इनवर्स खुद मतलब माइनस वन का वन ही होता है। इस तरह ए का जो मतलब एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव ए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो होता है ना उसका इन्वर्स उसका उल्टा होता है, इन्वर्स उल्टा होता है, तो जो उसको नेगेटिव पॉजिटिव करके जीरो कर देता है। इसलिए हमने जो बी मैट्रिक्स बनाया है ना वो हमने नेगेटिव ही लिया है, सेम इसके एलिमेंट थे लेकिन नेगेटिव ए था, ताकि ये दोनों जब ऐड हो तो आंसर हमारे पास जीरो ही है। ए मैट्रिक्स ये लिया था, देखें वन टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू थ्री वन एंड जीरो। अब जो हमने मैट्रिक बी लिया है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक है, वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक ए है, मतलब नेगेटिव ही है उसकी, तो माइनस वन माइनस टू माइनस वन जीरो पॉजिटिव वन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव इसके साथ जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसके साथ इधर भी हमारे पास माइनस टू पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस थ्री आएगा, माइनस वन आएगा, जीरो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ए प्लस बी हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस वन टू माइनस वन टू माइनस टू वन माइनस वन जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन प्लस वन माइनस टू प्लस टू थ्री माइनस थ्री ओके वन माइनस वन जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे प्लस आ गए, इसकी क्या रीज़न है, इसकी ये रीज़न है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये प्रोसेस तो पॉजिटिव का हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये जो साइन था ना, ये माइनस वाला साइन, इससे नेगेटिव कर दिया है पॉजिटिव के साइन को, ठीक है, ये माइनस वाले साइन ने इस पॉजिटिव वाले ये वाले साइन को नेगेटिव कर दिया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे माइनस का नेगेटिव कर लिया। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था, इससे फिर नेगेटिव वाले साइन को पॉजिटिव वाले साइन को नेगेटिव कर दिया,
यहाँ पे नेगेटिव था, ये पॉजिटिव का साइन है, असल में साइन पॉजिटिव का है, लेकिन जैसे ही माइनस का साइन आता है इसके साथ मल्टीप्लाई आता है उसे नेगेटिव कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अब आएगा माइनस वन प्लस वन, जीरो 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 एंड जीरो, सब तमाम एलिमेंट इसके जीरो हो जाएंगे। ए प्लस बी हमारे पास तो आ गया जीरो के। नेक्स्ट अगर हम बी प्लस ए करेंगे वो भी स्टूडेंट जीरो ही आएगा, माइनस वन प्लस वन, माइनस टू प्लस टू, माइनस वन प्लस वन, जीरो प्लस जीरो, प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, माइनस थ्री प्लस थ्री, माइनस वन प्लस वन, जीरो प्लस जीरो। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी जीरो 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 एंड देन जीरो। तो हमारे पास ये साबित हो गया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड बी प्लस ए ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। तो हमने कहा ए एंड बी एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 1.3 एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जो लेक्चर देंगे वो 1.3 एक्सरसाइज को करेंगे स्टार्ट से ही। आज मैंने इसकी डेफिनेशन करवाई है, इसकी प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, जो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, आप मेंशन करके इसको कर सकते हैं। अगेन मैं लास्ट में आपको फिर से कह रही हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपकी मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।